जनहित के काम करने पर मिलती है जान से मारने की धमकी और गाली गलौज। और सुबह पूर्व पार्षद और वर्तमान में रामकृष्ण परमहंस वार्ड के पार्षद कुमार मेमन को कम्युनिटी हॉल के पुराने ठेकेदार शैलेश बगड़े ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी है। कम्युनिटी हॉल के आसपास रहने वाले हमेशा शिकायत करते थे कि वहां बच्चे खाने पीने की चीजों से गंदगी होती है, शराब की बोतल पड़ी रहती है और जोर जोर से डीजे बजने से बच्चों की पढ़ाई और माताओं और बुजुर्गों की नींद उड़ती है। अवैध वसूली और ऐसे ही शिकायत पर कार्रवाई कर कम्युनिटी हॉल तो खाली हो गया और आसपास के लोगों की समस्या दूर हो गई, लेकिन जिनको खाली कराया वह जान के दुश्मन हो गए। आज वही लड़ाई में सैकड़ों लोगों ने थाने में जाकर अपराधी की गिरफ्तारी की मांग की है। ऐसे में भाजपाई गुंडागर्दी अब भी जारी है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 News। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।